आज हम लोग 12th क्लास के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलिनेशन या परागण को पढ़ने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। परागण की परिभाषा देने का प्रयास किया जाएगा, परागण के प्रकार, परागण करने वाले कारक और परागण के महत्व की जानकारी प्राप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले परागण की परिभाषा दी जाती है, लिबरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन ए सेम फ्लावर और टू और मोर देन टू फ्लावर इन ए सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट्स इन ए सिमिलर स्पेसीज अर्थात एक ही फूलों के बीच, मतलब परागकण का एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया जो एक फूल के अंदर होती है, एक ही पौधे के दो या दो से अधिक फूलों के बीच होती है या फिर एक ही जाति के विभिन्न पौधे के फूलों के बीच होती है परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग स्वपरागण कहते हैं और दूसरे को हम लोग पर परागण कहते हैं। स्वपरागण परागण की ऐसी क्रिया है जिसमें परागकण एक ही पौधे के एंथर से निकल करके उसी फूल के एक ही फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है, अर्थात परागण की क्रिया जब एक ही फूल के अंदर हो, परागकण निकल करके उसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंचे तो उस क्रिया को स्वपरागण कहेंगे। परंतु यदि एक फूल का परागकण एक जगह से एक एंथर से निकल करके दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है, या तो वह फूल उसी पौधे का हो या वह फूल उसी जाति के अन्य पौधे का हो, उसको पर परागण कहा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, एक फूल के अंदर तो स्व परागण, भिन्न भिन्न फूलों के बीच परागण की क्रिया, तो पर परागण, स्व का मतलब अपना, पर का मतलब पराय। स्व परागण और पर परागण की परिभाषा भी हम लोग यहां देखने, समझने और सीखने का प्रयास किए। उसके बाद हम लोग इस स्व परागण में, जब परागण की क्रिया किसी फूल के एंथर से परागकण निकल करके उसके स्टिग्मा पर जाने की बात करते हैं तो उसको स्व परागण कहते हैं। और परागण की ऐसी क्रिया जिसमें परागकण एक फूल के एंथर से निकल करके उसी जाति के अन्य फूलों के स्टिग्मा पर पहुंचे तो उस क्रिया को हम लोग पर परागण कहते हैं। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर सीखने, समझने और जानने का प्रयास करते हैं कि स्व परागण और पर परागण के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। मतलब कि
स्वपरागण हम उसको कहेंगे परागण की ऐसी क्रिया जिसमें एक ही फूल के एंथर से परागकण निकलकर उसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंचे स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण के लिए कई शर्त बाइसेक्सुअलिटी अर्थात फूल का द्विलिंगी होना, द्विलिंगी फूल में स्वपरागण की संभावना अधिक होती है। दूसरा शर्त है होमोगैमी। अगर फूल द्विलिंगी है तो नर और मादा जनन अंग एंड्रोसियम और गाइनेशियम एक ही समय में परिपक्व होना चाहिए। होमोस्टिलिटी, एंथर और स्टिग्मा समान सतह पर एक दूसरे के करीब होनी चाहिए। क्लिस्टोगैमी, ऐसे द्विलिंगी फूल जो कभी खिलते नहीं, हमेशा बंद रहते हैं, उसमें स्वपरागण ही होता है, जैसे गुलर, बरगद, पीपल इत्यादि। स्वपरागण का लाभ और हानि भी है। स्वपरागण से परागकण की बर्बादी नहीं होती है। दूसरा लाभ यह है कि परागण करने वाले कारकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तीसरा लाभ यह है कि शुद्ध नस्ली पौधे उत्पन्न होते होता है। स्वपरागण का हानि है, आनुवांशिक रोग की संभावना संभावना
बढ़ जाती है। दूसरा हानि है नए लक्षणों का विकास नहीं होता है। पर परागण के ऐसी क्रिया जो दो फूलों के बीच होती है, बीज होती है, पर परागण कहलाता है, पर परागण कहलाता है। यह दोनों फूल एक ही पौधे का हो सकता है या एक ही जाति के भिन्न भिन्न पौधे का हो सकता है, पर परागण की कुछ शर्तें हैं। यूनिसेक्सुअलिटी एक लिंगी फूल में परागण ही होता है। हेट्रोगैमी यदि फूल द्विलिंगी हो, नर और मादा जनन अंग में से कोई पहले परिपक्व हो जाए कोई बाद में परिपक्व हो तो परागण ही होता है। हेट्रोस्टिलिटी द्विलिंगी फूल हो जिसके स्टाइल और स्टिग्मा के बीच की दूरी बहुत अधिक हो उसमें पर परागण की संभावना अधिक होती है। हर कोगैमी जब स्टाइल एंथर और स्टिग्मा के बीच कोई भौतिक अवरोध हो, पार्टीशन वाल हो, फिजिकल बैरियर हो तो उसमें पर परागण की संभावना अधिक होती है। कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसका परागण उसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो कोई एक्टिविटी नहीं होती अर्थात निषेचन की नहीं होता, ऐसे फूल में पर परागण ही होता है। पर परागण का लाभ और हानि है। पर परागण का सबसे बड़ा लाभ यह है, सबसे बड़ा लाभ की बात यह करें, नए लक्षणों तथा नई जाति का विकास होता है। पर परागण से नए लक्षण तथा नई जाति का विकास होता है। पर परागण का दूसरा लाभ यह है प्रभावी जीन के कारण आनुवांशिक रोग की संभावना कम हो जाती है।
हानि की हम बात करते हैं। पराग कण की बर्बादी अधिक होती है, अर्थात पराग कण को एक फूल से दूसरे फूल पर, एक पौधे से दूसरे पौधे पर आना जाना होता है, उसमें अधिकांश पराग कण बर्बाद हो जाता है। दूसरा हानि है परागण करने वाले कारकों पर निर्भर रहना पड़ता है। निर्भर रहना पड़ता है जिसे परागण की संभावना कम हो जाती है, अनाज फल तथा सब्जियों का उत्पादन दर घट जाता है। परागण करने वाले कारक ऐसे भी सभी कारक जो परागण में सहयोग देता है परागण करने वाला कारक कहलाता है। ये कारक वायु, जल, कीट, चमगादड़, जंतु, मनुष्य हो सकता है। अगर परागण की क्रिया वायु से हो तो वायु परागण कहते हैं। इसके लिए फूल का आकार छोटा, पूर्णतः खुला, पराग कण बहुत अधिक मात्रा में बनता हो, पराग सूखा हो, हल्का हो, उड़ने वाला हो, जैसे अनाज में जल परागण जलीय पौधे में, पानी में तैरने वाला परागण हो, कीट परागण आकर्षक, रंगीन, मधु, शहद या पोषक तत्व देने वाले फूलों में होता है। पक्षी परागण छोटे पक्षियों के द्वारा होता है और फूल का आकार बड़ा होता है। घोंगा परागण, जब परागण की क्रिया घोंगा के द्वारा हो, जल के समीप या जलीय पौधों में जब परागण की क्रिया जंतु के द्वारा हो तो जंतु परागण अनाज, वृक्ष, फल वाले पौधे में जंतु के आने जाने के समय में, मनुष्य के द्वारा कृत्रिम परागण की भी बात की जाती है पादप हार्मोन की सहायता से या प्रयोग के दौरान परागण कराया जाता है। धन्यवाद।